आरएसएस बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सभी किसानों के खिलाफ है। किसान को ऊपर आने देना नहीं चाहते और ये जो कॉरपोरेट जगत है उसके लिए इनका माल सस्ता कैसा हो ऐसी ही राजनीति इनकी रहती है। जो तीन विधायक लोकसभा राज्यसभा में मंजूर किए उसका एक ही मकसद है कि किसानों का माल सस्ते में मिले, बिना किसी प्रकार की हिचक मिले, और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको किसी भी तरह से खत्म करे, इसकी ये साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारा सवाल है, आप बताइए कि बीच में रिलायंस और दूसरी विदेशी कंपनी जो है इनका रिटेल में अपना शेयर बढ़ाने की बात हुई, क्या ये बिल उनके उद्देश्य को सफलता दिलाने के लिए बिल ला गया है? उनका उद्देश्य सफल हो इसलिए ये बिल ला गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप ये कहते हो कि एमआरपी रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? किसान जहां बेचने जाएगा वहां पर लागू कौन करेगा? आज ये था कि तहसील की मंडी हो, जिला की मंडी हो, उन पर कानूनी तौर से बंधन था कि वो एमआरपी में खरीदे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान रास्ते पर उतरा है, उसी तरह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान भी रास्ते पर उतर के इस सरकार को अपनी औकात दिखाएगा। यही उम्मीद वंचित बहुजन आघाड़ी करती है।